पुकारा कायद। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहि नबियिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफिर रहीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफीक से हमें ये मुलाकात की नशिस्त नसीब हुई। मैं आप तमाम अहबाब को अपने समीम कल्ब से यहाँ आने पर खुश आमदेद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ और आपसे मुलाकात पर खुशी महसूस करता हूँ, फरहत महसूस करता हूँ। बुनियादी तौर पर तो आज सरगोधा और फैसलाबाद दो डिवीजन्स की थी, मगर कुछ अहबाब फिर रोज़ाना जो कल जो गुज़र गए डिवीजन्स, परसों गुज़र गए, इस तरह कुछ अहबाब फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो इक्का दुक्का आ जाते हैं। आज भी आए हुए थे जो मिस कर बैठे। मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बात को दीन मुबीन की खिदमत के लिए और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में कबूल फरमाए, आपको इस्तिकामत दे, ज़ाहरी और बातनी बरकत से नवाजे और दुनिया और आखिरत की नेमतों से आप सबको माला माल फरमाए। मुख्तसर सा वक्त है, अभी असर का अजान होने वाली है चंद मिनट, बस ऐसे पैगाम के तौर पे एक दो बातें अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी दी है, इस दुनिया में भेजा है, तो वो ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है हकीकत में जो बग़ैर किसी आला मकसद के यूं ही गुज़र जाए। देखो ना, पैदा हो जाना, ज़िंदा रहना और दौरान ज़िंदगी रूटीन के काम जिसमें खाना पीना भी है, सोना जागना भी है, अपने माश और ज़रूरियात ज़िंदगी की कफालत भी है, उस कफालत के लिए साफ ज़ाहिर है पर इंसान कुछ ना कुछ करता भी है, प्रोफेशंस हैं, जॉब्स हैं, बिज़नेस हैं, ये माशी कफालत के लिए होता है। तो इन तमाम ज़रूरियात को, फिर उसके बाद अफजाइश नस्ल भी है, इंसान है, शादी भी हो जाती है, औलाद हो जाती है, फिर आदमी उनको भी पढ़ाता है, फिर फैमिलीज़ के रिलेशनशिप्स होते हैं, फिर आदमी उनकी भी देखभाल करता है। ये बहुत से ऐसे काम हैं जो ज़िंदगी में इंसानी मुआशरे के अंदर लवाजमात बन जाते हैं जिनको इंसान निभाता है। कुछ लोग बतरीके अहसन निभा लेते हैं, कुछ लोग हुस्न खूबी से नहीं निभा सकते, मगर जैसे भी है गुज़र औकात करते हैं लोग, फिर बुढ़ापा आता है, इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है। अगर ज़िंदगी इस तरीक पर रूटीन में गुज़र जाए तो वाकया तो ये है कि ज़िंदगी का हक अदा नहीं होता, क्योंकि ये सारे वो काम हैं जो इंडिस्पेंसिबल हैं, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान ने करने ही करने, और मकसद हासिल नहीं होता। अब दो तसव्वुरात पाए जाते हैं ज़िंदगी के लिए। एक तसव्वुर तो ये पाया जाता है जिसे बायोलॉजिकल साइंसेस जिसको सपोर्ट करती हैं, मगर उनके पास बाज़ मामलात में कोई कैटेगोरिकल और डेफिनेट एविडेंसेस नहीं हैं, बाज़ मामलात में डेफिनेट एविडेंसेस नहीं हैं। और वो ये तसव्वुर है कि ज़िंदगी इत्तेफाक से वजूद में आ गई, ज़िंदगी इत्तेफाक से वजूद में आ गई। अब जब ये बाय चांस क्रिएशन हो गई तो उसके तहत फिर वो सारा कुछ ही इस कायनात में इत्तेफाकन ही हो रहा है, और उसी चांस की का आउटकम है जो हमारे वजूद में होता रहता है। मुख्तलिफ मराहिल ज़िंदगी के, इस कायनात की ज़िंदगी के वजूद में आए, अदवार आए, फिर ज़िंदगी के वो अदवार
आगे चलते चलते फिर एक दौर वो भी आ गया कि उसमें इंसान भी पैदा हो गया। या साइंसी नुक्ता नज़र से इंसान हैवानी ज़िंदगी के इर्तिकाई मराहिल में से एक स्टेज में आके इंसान बन गया। अब इन तमाम चीज़ों को देखें, इस नुक्ता नज़र में को देखें तो न इंसान की कोई बहुत बड़ी कदर व मंजिलत बनती है अखलाकी लिहाज से, और न इंसानी ज़िंदगी की कोई गैर मामूली अहमियत समझ में आती। और अगर इसी तसव्वुर को इंसान ले ले तो ख़ास तौर पे अखलाकी ज़िंदगी, उसका तो वजूद ही बाकी नहीं रह जाता, मोरेलिटी का वजूद बाकी नहीं रह जाता। और जब आप साइंस से पूछते हैं तो वो कहती है मोरेलिटी रहे या न रहे मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है। साइंस कहती है कि सब्जेक्ट ही नहीं है मोरेलिटी, ये तो सोशल साइंसेस की बात है, फिर वो लोग उसके लिए काम करते रहते हैं, अपने नज़रियात तसव्वुरात देते हैं ज़िंदगी को हसीन करने के लिए। एक एंगल है, इसमें ना कोई खालिक है, ना कायनात का कोई क्रिएटर है, ना कायनात का कोई मनसूबा बंदी करने वाला है, ना मरने के बाद की कोई ज़िंदगी है, ना नेकी और बदी का कोई हिसाब व किताब है, न जाओ जजा और सज़ा है, न आंसरेबिलिटी है, न फिर जब आंसरेबिलिटी नहीं तो फिर सिरे से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यानी पूरा का पूरा एक अखलाकी ज़िंदगी का तसव्वुर दरहम बरहम हो जाता है अगर ज़िंदगी का ये व्यू पॉइंट ले लिया जाए, जिसमें हम इस व्यू पॉइंट के साथ हम गुजार रहे हैं ज़िंदगी। अगर अमलन देखें तो हमारी ज़िंदगियाँ इसी तर्ज के साथ गुज़र रही हैं, पैदाइश भी हो जाती है माँ बाप से, फिर बच्चा भी है पढ़ता भी है, फिर उसने जवान भी हो जाता है, फिर किसी की ना किसी जॉब पे लगा देते हैं, कोई बिज़नेस पे लगा देते हैं, फिर लोग बिज़नेस में अचीवमेंट्स करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाता है, इंडस्ट्री लगाता है, कोई ट्रेड करता है, कोई एजुकेशन में जाता है, कोई जॉब करता है, ये एक तर्ज़ ज़िंदगी है। फिर इनकम आती है, फिर इनकम के मसारिफ हो जाते हैं, फिर बाल बच्चे फैमिली ज़रूरियात हैं पूरी करता कराता, फिर सोसाइटी में रहता है, जिस प्रोफेशन से वाबस्ता है फिर उस प्रोफेशन के कोई तकाजे उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। अगर वकील है वो और वो कला के शोबे से उसका ताल्लुक़ है तो उस प्रोफेशन के साथ रिलेटेड होने की वजह से कुछ मामला ज़िम्मेदारियाँ और ऐड हो जाती हैं उसकी ज़िंदगी में। ट्रेडर है, बिजनेसमैन है तो उस पेशे की वजह से कभी क्राइसिस आते हैं, फिर उनसे निकालने के लिए इंसान स्ट्रगल करता है, तो अपने पेशे को बचाने के लिए फिर उसको उसके लिए फिर वो लाअमल तय करता है, फिर मुतालबे करता है, फिर उनको पूरे करवाता है, तो लामहाला फिर कई चीज़ें वो फिर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से अज़ खुद इमर्ज होती रहती है, इमर्ज होती रहती है। पर इंसान इस तरह अपनी मसरूफियात बढ़ाता चला जाता है और यूँ ही ज़िंदगी गुजर जाती है और फिर रुखसत हो जाता है। ये उसकी तफसील की एक दूसरी जिहत है जो मैंने अर्ज़ कर दी। अगर आप देखें कि ये सारा कुछ करके अगर सिर्फ इस पर एक सवाल किया जाए कि आपकी पूरी ज़िंदगी का कोई मकसद भी था जो आपने अचीव किया, तो ये तो ज़िंदगी एक तवील सफ़र था, उसमें जगह जगह स्टेशन थे, फिर स्टेशन पे उतरे तो फिर स्टेशन के साथ कई लवाजमात थे, मराहिल थे, मराहिल के कई लवाजमात थे, इंडिस्पेंसिबल थे, नागुज़ीर थे, आपको पूरा करना ही था वरना आप सर्वाइव ही ना कर सकते, आप कमा भी ना सकते, आप ज़िंदा भी ना रह सकते। तो ये तो वो इंडिस्पेंसिबल लवाजमात थे जो साथ ही साथ ज़िंदगी के सफ़र में मुख्तलिफ मरहलों पर पैदा होते चले गए, आप उनको निभाते चले गए और दुनिया से चले गए। मगर इन तमाम चीज़ों को अगर आप यू पुट एवरीथिंग टुगेदर और उस पर एक सवाल करें कि इस पूरी ज़िंदगी को अगर एक टोटेलिटी लिया जाए, एक इकाई लिया जाए ज़िंदगी को, एक सफ़र लिया जाए और इस सारी की सारी ज़िंदगी को एक निज़ाम के तौर पे लिया जाए, तो फिर इस पूरी तर्ज के साथ बसर की हुई ज़िंदगी पर ये सवाल हो कि इस सारी ज़िंदगी का आपका मकसद क्या था जो आपने अचीव किया या जो अचीव न कर सके, तो इस तर्ज की ज़िंदगी सिर्फ अपने होने का मकसद भी मुतय्यन नहीं करती, आपको मकसद भी नहीं देती।
फिर इससे इंसान की अपनी अहमियत कम हो जाती, और इंसान और हैवान में सिर्फ इतना फ़र्क रह जाता है कि इसकी ज़िंदगी शऊर के साथ है और ख़ुद शऊरी के साथ है। हैवान की ज़िंदगी को हैवानी शऊर तो हासिल है मगर इंसानी सतह का वो शऊर नहीं जिसे हम ख़ुद शऊरी कहते हैं, जो ऊंचे दर्जे का शऊर है वो नहीं। बस इतनी सी दीवार रह जाती है हैवान और इंसान में। और साइंसी नुक्ता नज़र को इस दीवार इतनी दीवार के फ़र्क में कोई ऐब नज़र नहीं आता क्योंकि उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। अब एक दूसरा एंगल है कि ज़िंदगी, और फिर इसके ऊपर मैं कोई फ़लसफ़े की बात और साइंस की क्रिटिसिज्म की बात की तरफ नहीं जाना चाह रहा इस वक्त, कि ये जो नुक्ता नज़र है इस नुक्ता नज़र में बड़े सुख्म हैं, बड़ी कमज़ोरियाँ हैं, बड़े खला हैं जिनके जवाब नहीं हैं, मगर ये एक अलग सब्जेक्ट है। मैं इसको सिर्फ एक एंगल से ले रहा हूँ। अब इसका दूसरा एंगल ने दूसरा नुक्ता नज़र है कि नहीं, ज़िंदगी बाय चांस वजूद में नहीं आई, ये ज़िंदगी किसी मकसद के लिए वजूद में लाई गई है और इसको तख्लीक करने वाला कोई खुदा है, तख्लीक करने वाला कोई खुदा है। अब खुदा को, अल्लाह को, खालिक को, क्रिएटर को मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने तरीके से मुतय्यन करने की कोशिश की है। जिनके पास आसमानी हिदायत नहीं थी उन्होंने अपने अपने तरीके से तायुन किया है, वो सारे जन और तखमीन के प्रोसेसेस थे। अक्ल ने भी कई खुदा तराशीदा तराशे हैं मगर वो खुद कभी भी अक्ल और फ़लसफ़ा अपनी सारी तारीख में इब्तिदा से लेकर आज के दिन तक प्रोबेबिलिटी से बाहर नहीं निकल सका। फ़लसफ़ा उस इल्म को कहते हैं जो कभी भी डेफिनेट नहीं होता, कभी भी सर्टन नहीं होता, वो सारी तशकीक के अंदर ही रहता है, हमेशा तशकीक में, शक में रहता है। और शक ही को दूर करते रहने पर जो सोच विचार का सफ़र है, यही फ़लसफे की सारी ज़िंदगी। दूसरा तरीका साइंस है, साइंस भी आज के दिन तक प्रोबेबिलिटी से नहीं निकली। और ऐसा चांस, ऐसा इत्तेफाक कायनात में कभी नहीं हुआ कि उसमें कोई चीज़ भी खिलाफ़ नज़्म ना हो, ऐसा इत्तेफाक नहीं होता कि कोई शय भी खिलाफ नज़्म ना हो, हर शय में एक नज़्म है। इंसान के एक खुलिये से ले लें और पूरे उसके जिस्म की तश्कील तक चले जाएं, बेसिक जो सेल है उसका, लाइफ सेल से लेकर पूरी उसकी बॉडी पर चले जाएं, या सेल के अंदर सफ़र शुरू कर दें तो सेल के अंदर क्या 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 है, उसके प्रोटॉन्स हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके न्यूट्रॉन्स हैं, फिर उनकी स्टडी में चलते चलते जीन्स तक चले जाएं, फिर जेनेटिक स्टडी कर लें, फिर उसके अंदर क्रोमोसोम्स की स्टडी कर लें, फिर डीएनए तक चले जाएं, किसी सतह से शुरू करें और किसी सतह तक चले जाएं, एक मुकाम भी ऐसा नहीं कि जिसका तर्ज हयात इत्तेफाक नज़र आए। हर चीज़ के अंदर एक कामिल निज़ाम है, एक सिमिट्री है, एक परफेक्शन है, तो इत्तेफाक ऐसे नहीं हुआ करते। इत्तेफाक, फिर आप इंसान से बाहर कायनात में चले जाएं, तो कायनात में जितना भी निज़ाम है, खलाओं का, फिजाओं का, सैयारों का, सितारों का, फिर ऊपर खलाओं का, हर निज़ाम की, हर दुनिया एक पूरे निज़ाम में, एक सिस्टम में मरबूत है। कहीं भी कोई चीज़ इवेंचुअल नहीं है, एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन एक नज़म से हो रही है, उनके दरमियान फिर अगर मुख्तलिफ जो सिलेस्टियल बॉडीज़ के दरमियान अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, जज्ब है, वो भी एक निज़ाम है, ऐसी चीज़ें टकरा नहीं जाती। तो साइंसी नुक्ते नज़र से ज़िंदगी को देख लें, फ़लसफ़े के नुक्ते नज़र से ज़िंदगी को देख लें, और सोशल साइंसेस तो खैर उनके नुक्ते नज़र से देख लें, तो किसी के पास जवाब नहीं है। इस पूरी की पूरी हकीकत ज़िंदगी का जवाब सिर्फ़ आसमानी हिदायत ने दिया है, और वो ये
فلسفہ حیات ہے کہ زندگی از خود اتفاقاً وجود میں نہیں آئی، کسی خالق نے زندگی کو کسی مقصد کے لیے ایک ارتقاء کے پورے نظام کے تحت اپنے مقام پر پہنچ کر تشکیل کیا، اور انسان حیات کے ارتقاء کا وہ آخری نقطہ ہے جس کو زندگی کا کمال کہتے ہیں. جب اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو انسان ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے. بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا جائے تو یہ ساری کائنات میں سے ایک چھوٹے سے سیارے کے اندر ایک وجود ہے تو یہ ساری کائنات میں اتنا بڑا مقام کیوں رکھتا ہے. تو یہ انسان کی سوچ ہے. اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کی کمیت، والیوم چھوٹا سا ہے اس کا وجود تو وہ اتنی بڑی کائنات میں اہمیت کیسے اختیار کر جائے. یہ کہنے والوں نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ ایٹم بھی بہت چھوٹا سا ایک اکائی ہے جس کا وجود نظر ہی نہیں آتا، اور پھر آگے اس کے نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹرون تو اس سے بھی چھوٹی اکائیاں ہیں جو ایٹم دیکھنے والی جو نگاہیں ہیں سائنس کی، آلات کی، وہ بھی ان کو نہیں دیکھ سکتے. مگر جتنی اہمیت اس کو حاصل ہے اتنی اہمیت کائنات کے کسی بہت بڑے وجود کو حاصل نہیں. وہ ساری کائنات کو وہ کنٹرول کرتا ہے. تو فیصلہ کمیت پر نہیں ہوتا، فیصلہ اس کی ایفیکٹیویٹی پر، اس کی کوالٹی پر، اس کے رول پر ہوتا ہے. اس کا رول کیا ہے، اس کا رول کیا ہے. تو اس لیے سائنس بہت بڑے بڑے وجودوں سے اپنی تحقیق کو شروع کرتے کرتے کمال پر جوں جوں پہنچ رہی ہے تو اس کی تحقیق کا جو ٹارگٹ ہے وہ سب سے چھوٹے وجود بنتے چلے جا رہے ہیں. یعنی وہ بہت چھوٹے وجودوں کو اہمیت دیتی چلی جا رہی ہے. تو انسان کا ایک چھوٹا سا وجود کائنات میں ہونا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری کائنات کے وجود میں ایک ایٹم ہے جس کا نام انسان ہے، اور یہ نقطہ ایک کمال ہے. اب انسان کو اگر یہ زندگی ملی اور کسی نے دی، کسی نے تخلیق کی، اور تخلیق کرنے والا کوئی خالق ہے، تو اس کا کوئی کام عبث اور بے مقصد نہیں ہوتا. اس نے ایسا نہیں بنا دیا پھینک دیا اور مر جائے، نہیں، اس نے پھر کسی مقصد کے لیے بنایا. جن چیزوں کو ہم نے مقاصد بنا رکھا ہے یہ عوارض ہیں، مقاصد نہیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ عوارض ہیں. یہ سرکمسٹانشل اور انوائرمنٹل کنڈیشنلٹیز ہیں. جس کو جس ماحول میں رکھا گیا اس ماحول کے کوئی تقاضے ہیں. یہ وہ سارے تقاضے ہیں، لوازمات ہیں جو زندگی کے ساتھ لگ جاتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی مقصد نہیں ہے. نہ وکیل بننا مقصد ہے، نہ سائنسدان بننا مقصد ہے، نہ ڈاکٹر بننا مقصد ہے. یہ تو پروفیشنز ہیں. نہ بزنس کرنا مقصد ہے، نہ جاب کرنا مقصد ہے، نہ انڈسٹری لگانا مقصد ہے. یہ پروفیشن ہے، ذرائع اکتساب اور معاش کے ذرائع ہیں. اگر یہ نہ ہو تو کھائے کہاں انسان، کہاں کہاں سے. یہ ساری ضروریات ہیں. اور یاد رکھ لیں، ضروریات کبھی مقصد نہیں ہوتی، وہ کسی مقصد کی تکمیل کی خدمتگار ہوتی ہیں. تمام ضروریات انسان کی خدمتگار ہیں، تمام پروفیشنز انسان کی خدمت گزار ہیں. چاند ستارے روشنی دے رہے ہیں، تپش دے رہے ہیں تاکہ انسانی زندگی کو جینے کا ماحول مل سکے. تو یہ چاند سیارے ستارے بھی خدمتگار ہیں انسان کے. یہی معنی ہے اللہ پاک کے فرمان کا کہ زمین و آسمان کی ساری کائناتوں میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہاری خدمت پہ لگا دیا ہے، تمہاری زندگی کی خدمت پہ لگا دیا ہے، جس سے تمہاری زندگی کو رہنے کا ایک آسان ماحول مل رہا ہے، ایٹموسفیئر مل رہا ہے. تو زندگی گویا مقصود بن گئی، انسان کی زندگی مقصود بن گئی. تو ساری کائنات کی چیزیں اس زندگی کے مقصد پہ لگی ہیں، اس زندگی کی خدمت پہ لگی ہیں. تو سوال پیدا ہوا کہ اس زندگی کا اپنا مقصد کیا ہے؟ ہر شے اس زندگی کے لیے ہے. کائنات کی ہر شے، بولیے، حیوان بھی زندہ ہے مگر حیوان بھی آپ کے لیے ہیں. کسی کو ذبح کرتے آپ کھاتے ہیں، اسی سے تو توانا ہوتے ہیں.
तो जो ज़िबा कर दिया गया और खा लिया गया तो वो खुद मकसूद न था, जिसके लिए वो ज़िबा किया गया वो उसका मकसूद था। किसी को दो कर आप दूध निकालते और पीते हैं, तो जो अपना अंदर का सारा कुछ आपके पी के तवाना करने में लगा हुआ है तो वो खुद तो मकसद ना हुआ, वो तो आपका खादिम है। सब्जियां उगा ली, फल उगा लिए और उगा 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 के अल्टीमेटली आपने उनको काटा और काट के खा लिया, किसी को कच्चा खा लिया, किसी को सालन में डाल के खा लिया। तो जो चीज़ इतना सालों पकती रही, दरख्त बनते रहे और फिर बिलाखिर अंजाम ये हुआ कि कट के आपके पेट की खुराक बन गए, तो इसका मतलब है वो उसमें से कुछ भी मकसद न था, वो किसी के लिए तैयार हो रहे थे, जिसके लिए तैयार हो रहे थे वो इंसान की ज़िंदगी थी। फल, सेब, केले, खुबानियाँ, ये सब कुछ मकसद न था, वो तो आपके लिए तैयार हो रहे थे। तो जो किसी के लिए तैयार होता है वो खादिम होता है, और जिसके लिए तैयार होता है वो मकसद होता है। तो गोया इंसान सारी कायनात में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दरिया हैं, समंदर हैं, कहीं आपको पानी फराहम कर रहे हैं, कहीं आपके लिए बुखारात बना रहे हैं, फिर वो बादल बन रहे हैं और बरस के फिर वो ज़मीन को तरोताज़ा कर रहे हैं, और वो ज़मीन आपके लिए फिर फल फूल उगा रही है और वो फल फूल आपके पेट में जा रहे हैं। तो खुशकी भी आपकी खिदमत में है और तरी भी आपकी खिदमत में है, यानी दुनियाए बर भी आपकी खिदमत में है, दुनियाए बहर भी आपकी खिदमत में है, हवा भी आपकी खिदमत में है, वो हवा आपको मिल रही है, आप सांस ले रहे हैं। तो कायनात अर्ज व समा की हर शय आपकी खिदमत में है, हत्ता के फरिश्ते भी आपकी खिदमत में हैं। एक को यहाँ बिठा रखा है, आपको यहाँ बिठा रखा है, इसको एक जेब से देखें आपका हिसाब किताब कर रहे हैं, मगर वो कर क्या रहे हैं? नौकरी तो आपकी कर रहे हैं, खिदमत तो आपकी कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टें भेज रहे हैं ऊपर जाकर, तो आपके काम में लगे हुए हैं। कई आपके लिए दुआएं कर रहे हैं अगर आप नेक हैं, कई आपके लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं अगर आप नेक हैं, कई आपके लिए अल्लाह से बरकतें मांग रहे हैं, कई आपसे अल्लाह की बारगाह से बख्शिशें मांग रहे हैं, कई कब्र में आके आपसे हिसाब किताब कर रहे हैं, कई और निज़ाम। तो ये सारे फरिश्ते लगे तो आपके लिए मसरूफियत, उनकी मसरूफियात क्या हैं? आप ही की तो उनकी मसरूफियात हैं, आप समझ। तो हैवान भी आपके लिए, फरिश्ते भी आपके लिए, जिन्नो मलाइक भी आपके लिए, बहरो बर भी आपके लिए, हवा व खला भी आपके लिए, सैारे सितारे भी आपके लिए, नबाता तो हैवानात भी आपके लिए। तो आप मकसद बन गए, आपकी ज़िंदगी मकसद बन गई, और जो कुछ आपके सिवा कायनात में है वो आपके खिदमत गुजार हो गए। अब आप मकसद हो गए सबका। तो अब सवाल पैदा हुआ कि सब के तो आप मकसद हुए, तो कोई शय कायनात में ऐसी नहीं जिसका कोई मकसद नहीं, हर शय का एक मकसद है और वो आप हैं। तो जो हर शय का आप मकसद हैं, तो अब सवाल हुआ कि आपका मकसद क्या है। तो अगर इंसान का कोई मकसद ना रहे तो हैवान से भी बदतर हो गया। हैवान का भी कोई मकसद है कि दूध आपको पिलाता है, सवारियां आपके बोझ उठाता है, गोश्त आपके लिए मुहैया करता है, सब्जियों का भी मकसद है। हर ज़ी शऊर और गैर ज़ी शऊर शय का मकसद है। तो हर शय का मकसद हो और एक इंसान का मकसद ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो फिर इंसान और इंसान की ज़िंदगी का भी कोई तो मकसद होगा, होगा या नहीं? यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब अगला सवाल है मेरा, तो आप हैं साहिब मकसद के, आपका मकसद होगा। अब मकसद बताइए, जो साहिब मकसद है उससे आला होना चाहिए कि अदना होना चाहिए? और मकसद खुद साहिब मकसद से अदना और नीचे हो जाए तो मकसद कैसे हुआ? कि आपसे नीचे जो कुछ है वो तो आपकी नौकरी में है, वो तो आपकी, आप तो मखदूम हैं, और हर शय कायनात की आपकी खादिम है। तो कभी मखदूम का मकसद खादिम भी होता है। तो आप तो मखदूम कायनात हुए, इंसान तो मखदूम कायनात हुआ, मकसूद कायनात हुआ। तो अब जब आपके मकसद की बात होगी तो कुछ ऊंचा जाएगा ना मामला, तो वो होना चाहिए जो आपसे बुलंद है। तो इंसान से बुलंद तो कोई शय और है ही नहीं। अगर फरिश्ते आपसे बुलंद होते तो एक एक इंसान के साथ दो दो फरिश्ते उसकी रिपोर्टिंग पे मुतय्यन किए होते, सारा दिन रात आप
नेक और बद काम करते हैं और वो आपकी नोट्स बुक बना रहे हैं, आपके नोट्स बना रहे हैं, तो क्या वो आपसे आला होंगे? आला होते तो आप उनके लिए नोट्स लिखते या वो नोट्स लिखते? तो आपका मकसद तो आपसे आला होना चाहिए, और इंसान से आला कायनात में कोई नहीं सिवाय खुदा के, अल्लाह के सिवा, वही जो खालिक है। तो आपका मकसद अल्लाह है, और अल्लाह से मुराद अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की बंदगी करना, अल्लाह की मारिफत और उसकी पहचान करना, अल्लाह से मोहब्बत करना। तो आपका मकसद ये हुआ कि ऐसी ज़िंदगी बसर की जाए जिससे इस ज़िंदगी का खालिक खुश हो जाए, जिसने आपको बनाया, आपको ज़िंदगी दी, उसे खुश करना आपका मकसद हुआ। और ये वाहिद मकसद है जो इंसान की सब बुलंदियों से भी बुलंद है। तो अगर आज की नशिस्त में इतना तय हो जाए कि हमारा एक मकसद है, बाकी सब प्रोफेशंस हैं, बाकी सब मसरूफियात हैं, एक्टिविटीज़ हैं, बाकी सब लाइफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइफ की वो सब रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स नीचे होती हैं, इंसान इन रिक्वायरमेंट से आला है, और इंसान का मकसद इंसान से आला होगा, और इंसान से आला उस इंसान का मौला है जिसने उसे पैदा किया। तो दो बातें अगर तय हो जाएं कि एक तो हमारी ज़िंदगी बा मकसद होनी चाहिए, बे मकसद गुजर गई तो ऐसे ही गुजर गई जैसे हैवानात ने गुजार ली, और बे मकसद गुजर गई तो आज एहसास नहीं होगा, इसलिए इसका एहसास उस वक्त होगा जब इम्तिहान, ये इम्तिहान का दौर है ना, तो इम्तिहान में पता नहीं चलता, पता तो नतीज के दिन चलता है, जिस दिन नतीजा आता है, और नतीजे की शाम कब्र की शाम होती है, नतीजे की शाम कब्र की शाम होती है, और सीक्रेसी होती है ना, फिक्टिशियस नंबर लग जाते हैं। अच्छा निज़ाम इम्तिहान वही होता है जिसमें सीक्रेसी मेंटेन की जाए। तो कब्र चुके नताइज के ऐलान की शाम है, इसलिए उसको सीक्रेट रखा गया है, किसी को नज़र नहीं आती, नज़र आ जाए तो वो नताइज का दिन कैसे हुआ, अगर नज़र आ जाए तो फिर तो खयानत और फिर तो करप्शन हो जाए, फिर तो सीक्रेसी लीक आउट हो गई, पर्चे लीक आउट हो गए, उसकी तो आलापन का आलम ही यह है कि वो नतीजा यकलख्त मंजर आम पे आए। और वो होता, इम्तिहान का दिन एक होता है, तैयारी के लिए साल होता है, तैयारी आदमी साल भर करता है, क्या साल भर करता है, इम्तिहान का दिन एक होता है। तो ये उम्र भर की तैयारी उस एक दिन के लिए है, फिर उसको क़यामत का दिन भी कहते हैं 50,000 साल का। तो ये सारी ज़िंदगी की तैयारी उस एक दिन की कामयाबी के लिए है। अगर उस कोई मकसद मुतय्यन हो जाए तो जो ज़िंदगी को मकसद के सपुर्द कर दे, ज़िंदगी को अपने मकसद के सपुर्द कर दे और मकसद को अचीव करने पर ज़िंदगी लगा दे, वो नताइज के दिन कभी शर्मसार नहीं होगा, वो कामयाब होगा, शर्मसार नहीं होगा। तो आज की नशिस्त का ये रिज़ल्ट कम से कम होना चाहिए कि हम अपना मकसद मुतय्यन करके जाएं कि मकसद हमारा अल्लाह को राज़ी करना है। अब अल्लाह को राज़ी करने के बेशुमार तरीके हैं, बेशुमार तरीके हैं, और कई जवाब होंगे, आप जिससे पूछेंगे हर कोई अपनी समझ के मुताबिक जवाब देगा। अगर मुझसे पूछें कि फिर अल्लाह को राज़ी करने का कोई तरीका आप भी बता दें, ये पूछना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ताकि ज़िंदगी बामकसद हो जाए और मकसद हासिल भी हो जाए, मकसद हासिल भी हो जाए। तो मैं अगर सिर्फ़ एक छोटे से जुमले में अपना जवाब दूं तो वो ये है कि अगर ज़िंदगी का मकसद पाना चाहते हैं और अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं बामकसद ज़िंदगी में, तो एक छोटा सा जुमला इसका जवाब है, ज़िंदगी सपुर्दे बंदगी कर दें, ज़िंदगी सपुर्दे बंदगी कर दें। सपुर्दे बंदगी करने का नाम सपुर्दगी दीन है, खिदमत दीन है। ज़िंदगी अगर सपुर्दे बंदगी हो जाए तो फिर बंदा जहाँ बाकी प्रोफेशंस और एक्टिविटीज़ जारी रखता है, उन सारी चीज़ों का रुख मुतय्यन यूँ कर लेता है कि मेरी ज़िंदगी खिदमत दीन में गुज़रे।
अब खिदमत दीन का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर है तो हॉस्पिटल छोड़ दे, ये कंसेप्ट नहीं है। खिदमत दीन का मतलब ये नहीं है कि अब अपनी मिल और फैक्ट्री और ट्रेड और कपड़े का कारोबार छोड़ दे। खिदमत दीन का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अपना बिजनेस छोड़ दे, दीन तो ये सिखाता ही नहीं। ये तो रिक्वायरमेंट्स हैं जो अल्लाह ने खुद पैदा की, ये तो आपकी एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की। खिदमत दीन का मतलब ये कि एक तो किसी चश्मे दीन से मुंसलिक हो जाएं जहाँ से आपको दीन की रहनुमाई सही मिले। अगर हर बंदा खुद फैसला करने लग जाएगा, हर बंदा खुद फैसला करने लग जाएगा तो खुदा जाने कितने दीन निकाल लेगा। आप अगर लॉयर हैं तो ला आप अपनी मर्जी का ही कानून अदालत में पेश करने लग जाएं तो इस तरह तो कभी फैसले नहीं होते। आपका भी ये कोड ऑफ लॉ होता है, एक कोड ऑफ लॉ होता है, तो उस पर उन जाब्तों पर चलेंगे, एक मुतय्यन कर लेते हैं ना कोई जगह तो तभी चलते हैं। तो इंसान किसी कोड के साथ, किसी कोड ऑफ लॉ को लेने के लिए एक जाब्ते के साथ जुड़ जाए जहाँ से उसे रहनुमाई मिले। ये दीन की असल रहनुमाई है, ये बंदगी का असल शऊर है, ये बंदगी का असल अदब है, ये बंदगी की असल मारिफत है। तो कोई जगह होनी चाहिए जहाँ से उसे रहनुमाई मिले। अगर हर बंदा किताबें पढ़ के खुद तो डॉक्टर नहीं बन जाता, हर वकील चाहे कि मैं किसी लॉ कॉलेज में नहीं जाऊँगा और किताबें लेके तो मैं खुद वकील बन जाऊँ, तो आपको प्रैक्टिस कोई करने देगा नहीं। कोई केमिस्ट चाहे कि मैं अपने आप ही, हर बंदा चाहे कि मैं दवाइयों की दुकानें खोल लूँ, तो कोई इजाज़त नहीं देता, इस तरह तो वो पता नहीं क्या कर देगा। कोई भी काम करना हो तो उसे कहीं से रहनुमाई लेनी पड़ती। एक आदमी ने लोहार भी बनना है तो वो भी किसी उस्ताद के पास सीखने जाएगा, एक आदमी ने लकड़ी का कारपेंटर भी बनना है तो कहीं से कोई सीखेगा, कोई कारपेंटरी सिखाएगा तो कारपेंटर बनेगा। एक आदमी ने दुनिया का कोई छोटा से छोटा भी काम करना हो तो कहीं से रहनुमाई लेता है। जहाँ से रहनुमाई ली जाती है उसको चश्मा हिदायत कहते हैं। वो एक मरकज़ होता है, वो एक दरख्त होता है, वो एक चश्मा, एक धारा होता है जहाँ जिसको आप बेहतर अपने लिए बेहतर समझ के आप मुतय्यन कर लेते हैं कि मैं बजाय हज़ार हा जगहों से रहनुमाई लेके अपने आप को जहन को मुंतशिर करने के, रहनुमाई दीन की यहाँ से लिया करूँ जहाँ उसे इत्मीनान कल्ब हो। ये अपना चॉइस है हर एक का, ये हर एक का अपना चॉइस है, मगर जहाँ इत्मीनान कल्ब हो वो समझे कि हाँ मेरे हर सवाल का जवाब इस चश्मे से मिल सकता है, मुझे हर किस्म का इत्मीनान कल्ब मिल सकता है। अगर जहन में हैजान हो, दिमागी दवाई चाहिए तो दिमाग की तस्कीन भी यहाँ से मिल सकती है। अगर कल्ब में इज़्तिराब हो, बेचैनी हो, तो बतरीके कल्ब व रूह कोई रहनुमाई चाहिए तो वो भी इस चश्मे से मिल सकती है। अगर अमली तौर पे कोई इस्तेराब और हैजान हो तो वो रहनुमाई भी यहाँ मिल सकती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो रहनुमाई यहाँ से मिल सकती है। सोशल इशू हो तो रहनुमाई यहाँ से मिल सकती है। अगर इसी तरह साइंटिफिक एंगल से इस्लाम के अब समझने में कोई मुश्किल और कोई इश्काल आ जाए तो वह रहनुमाई यहाँ से मिल सकती है। अलगरज किसी भी स्पिरिचुअल एंगल से कोई प्रॉब्लम आ जाए, कल्चरल एंगल से कोई प्रॉब्लम आ जाए, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से आ जाए, किसी जहत से दीन को पढ़ते समझते कोई इश्काल आ जाए, तो उसमें बेहतर है कि उस जगह जाए जहाँ से हर रहनुमाई मिल सकती है। पहले ज़माने दुकानें होती थी, आज भी हमारे शहरों में, छोटे शहरों में होती हैं, ये गोश्त की दुकान, ये सब्ज़ी की दुकान, ये यहाँ से गंदम मिलती है, यहाँ से गोश्त मिलता है, यहाँ से घी मिलता है, यहाँ से मिसाले मिलते हैं, यहाँ से मिठाई मिलती है, यहाँ से चावल मिलते हैं, यहाँ से गंदम। दुकानें छोटी छोटी अलग होती थी, अब नई दुनिया में डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल बन गए हैं। यू गेट एवरी थिंग अंडर ए सिंगल रूफ। इतने बड़े बड़े मॉल डिपार्टमेंटल स्टोर बन गए हैं कि आप एक जगह पर चले जाएँ, हर चीज़, घर की ग्रोसरी आप एक ही जगह से करके आते हैं। इंसान इसमें आसानी फील करता है, इसमें सारी ग्रोसरी और सारी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो उसमें इंसान आसानी फील करता है, क्वालिटी की चीज़ मिलती है, इत्मीनान होता है। तो अगर कोई जगह तलाश करें, ये ऑप्शन आपकी मर्जी है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो ये कहे कि सिर्फ मिन्हाजुल कुरान अच्छी जगह है। अस्तग़फिरुल्लाह, मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक भी मैं ये जुमला अपनी ज़ुबान से नहीं कहूँगा। मैं वो आदमी नहीं हूँ, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ।
मैं बुनियादी रहनुमाई देता हूँ आका की उम्मत को, लोगों को बेसिक उसूल की रहनुमाई देता हूँ, और उनकी मर्ज़ी और इंतखाब पर, चॉइस पर, एनालिसिस पर छोड़ देता हूँ। कायदे की रहनुमाई कर देता हूँ कि डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं ताकि अंडर सिंगल रूफ हर चीज़ मिल सके, क्वालिटी की मिले, और जिस तरह की बेचैनी हो, जिस तरह का इस्तेराब हो, हर तरह की तस्कीन मिल सके, इस तरह कॉम्प्रिहेंसिव धारा तलाश करें रहनुमाई का। मगर कौन सा तलाश करें, दुनिया में देखें, स्टडी करें, फिरें, जहाँ तबीयत और दिमाग को इत्मीनान मिले, आपकी आज़ादी है। मगर धारा ज़रूर हो जहाँ से रहनुमाई लें, वरना मुंतशिर फिरेंगे, वरना मुंतशिर फिरेंगे। शाख भी दरख्त से कट जाए तो फल फूल नहीं आते, सूख जाती है, और शाख किसी दरख्त से जुड़ी रहे तो फिर तरोताज़ा भी रहती है, फल भी देती है, फूल भी देती है। सिर्फ एक जगह ताल्लुक़ करें ताकि दीन की रहनुमाई मिले, एक बात, और दूसरी ये कि ज़िंदगी सपुर्द बंदगी करें, खिदमत दीन में गुजारें, खिदमत दीन में गुजारें, ज़िंदगी खिदमत दीन में गुजारें, और दीन का वो तसव्वुर जो अल्लाह से भी उसी तरह जोड़े और अल्लाह के रसूल की दारगाह में भी उसी तरह जोड़े, जो अल्लाह रसूल के साथ जुड़ने में फ़र्क करे, समझ लें वो दीन नहीं, वो कुछ और चीज़ होगी। जो अल्लाह रसूल के साथ जोड़ने में तफरीक करे, वो समझें दीन की सही तालीम नहीं है। जो इकट्ठा जोड़े अल्लाह रसूल के साथ, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद को रसूल से नहीं फोड़ा है, और रसूल को अपने आप से नहीं, अल्लाह ने हमेशा जोड़ के जिक्र किया है पूरे कुरान में। अल्लाह रसूल की इताअत करो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत करो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, अल्लाह और उसके रसूल की बैत करो, अल्लाह रसूल का अदब करो, हमेशा अल्लाह ने जोड़ के बात की है। दीन है भी जोड़ने का नाम, फोड़ने का नाम नहीं। तो अपनी ज़िंदगी खिदमत दीन में बसर करें, जिस प्रोफेशन में हैं, जिस कारोबार में हैं, अज़्म कर लें कि अब बकाया ज़िंदगी उम्र भर खिदमत दीन में बसर होगी, और ज़िंदगी ऐसी बसर होगी जो बंदगी के रंग से रंगी जाए। इससे आपके प्रोफेशन में, आपकी बिज़नेस में, आपकी इनकम में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो काम जो कर रहे हैं वो करते रहना है, बस सिर्फ एक डायरेक्शन मुतय्यन हो गई आपकी। और ज़िंदगी रंग तो चढ़ता चढ़ाते ही है ना जी, आप हर बंदा कपड़े भी तरह तरह के रंग के पहनता है, सोफ़े भी लेते हैं तो पोशाक का भी रंग होता है, बेड्स के भी रंग होते हैं, कपड़ों के भी रंग होते हैं, घर को आप करते हैं, तो हर रंग, रंग का कौन इनकारी है? हर बंदा यहाँ जो बैठा है तो कोई ना कोई रंग तो उसके कपड़ों में, उसके चेहरे का कोई ना कोई रंग तो है ना, रंग तो होना ही होना है। तो कितना अच्छा है जब रंग चढ़ना ही चढ़ना है तो ज़िंदगी पे दीन का, बंदगी का रंग चढ़ा ले, बस ज़िंदगी को बंदगी। तो ज़िंदगी का बेरंग रहना इसमें कोई ढंग नहीं है, ज़िंदगी बेरंग रहे तो ढंग की बात नहीं है। ज़िंदगी पे दीन का रंग चढ़े, बंदगी का रंग चढ़े, तो फिर वो ज़िंदगी कीमती ज़िंदगी बन जाती है। ये मेरा मैसेज है, ज़िंदगी को बंदगी के रंग से रंगें और ज़िंदगी खिदमत दीन में बसर करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा और मोहब्बत के तरीक़ पर। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना कबूल फरमाए, और दुनिया और आखिरत की नेमतों से आप सबको माला माल फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिम व अला आलिही व अज़वाजिही व औलादिही व बनातिही व इतरतिही व अहले बैतिही व खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन وصحابه الكرام المتقين المخلصين والتابعين وأتباع التابعين وأولياء الله الصالحين وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا رب العالمين وہ علم کی ہے مشعل وہ معرفت کا دھارہ